भारत में चल रहे किसी हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी केस की जानकारी हम बड़े आराम से ई कोर्ट सर्विसेज ऐप दो निकाल सकते हैं। सबसे पहले ई कोर्ट सर्विसेज का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आइए देखते हैं कि इसमें हम कोई केस कैसे निकाल सकते हैं बड़े आराम से। पहले तो ये एक CNR का ऑप्शन है, अगर CNR नंबर हमारे पास है तो हम यहाँ डालकर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये 16 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो आजकल हर केस को दिया गया है और वो समन पे आता है या केस की जानकारी जब भी आप कहीं देखेंगे तो वो मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है QR कोड, आप QR कोड समन पे होता है या आपके पास सेव है तो उसको स्कैन करें और आप उस केस को बड़े आराम से फिल्टर करके आपके सामने आ जाएगा। ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये दोनों जानकारी हमारे पास पहली बार नहीं होती, तो हमें अब देखना है कि हम इस ऐप के द्वारा नाम से या किसी नंबर से हम सबसे पहले केस कैसे निकाल पाएंगे। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चुनें या हाई कोर्ट चुनें, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमको केस स्टेटस चुनना होगा। हम सबसे पहले स्टेट चुनेंगे, हमने यहाँ आंध्र प्रदेश चुन लिया जो सबसे ऊपर आ रहा था। उसके बाद हमको आंध्र प्रदेश का कोई ज़िला चुनना होगा, हमने यहाँ कृष्णा ज़िला चुन लिया। उसके बाद हम केस नंबर से सर्च करते हैं कोई केस हमें मिलता है या नहीं मिलता है, तो हमें कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करना होगा। हमने ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट कर लिया, रैंडम कर लिया, कुछ भी कोई नंबर हम डालकर चेक कर लेंगे, देखते हैं कि क्या केस मिलता है या नहीं मिलता है। अब हमको यहाँ पर केस टाइप डालना है, तो चूँकि ये सिविल कोर्ट है तो यहाँ पर सिविल सूट डालते हैं, तो हम कोई सिविल सूट हम यहाँ पर ओरिजिनल सूट ये डाल लेते हैं। चूँकि ये सिविल कोर्ट है तो यहाँ ओरिजिनल सूट ही डालते हैं, इतनी जानकारी है हमको। अब हमको यहाँ पर केस नंबर डालना है, तो हम कोई भी नंबर डाल देते हैं, 102 डाल देते हैं। उसके बाद हमको ईयर डालना है तो हम 2021 डाल देते हैं। उसके बाद हम इसको क्लिक करते हैं गो को, तो देखिए एक केस खुलकर आ गया हमारे सामने। यहाँ पर ये एक केस खुलकर आ गया। अब हम इस यहाँ क्लिक करके आगे इस केस की पूरी जानकारी निकाल सकते हैं, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करते ही ये केस नंबर आ गया और पार्टी नेम आ गया, ये केस नंबर है और ये पार्टी नेम है। तो इस तरह से हम इस केस नंबर और पार्टी नेम हमारे पास आ गया तो हम ये अपने पास रख लेंगे और जब चाहें इस केस को जैसे भी चाहें हम ढूंढ सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो ये लिंक है इसको क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करने के बाद ये केस हिस्ट्री का पेज खुल गया। देखिए यहाँ पर कोर्ट का नाम है, फिर ये केस टाइप है जो हमने डाला था, ओरिजिनल सूट है, फाइलिंग नंबर यहाँ आ गया, फाइलिंग डेट यहाँ आ गई, ये 18 जनवरी को फाइल हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आ गया, रजिस्ट्रेशन डेट आ गई, CNR नंबर आ गया। जैसा मैंने पहले बताया था ये CNR नंबर है इस केस का, हम अपने पास रख सकते हैं। आप आगे जब भी इस केस को देखना हो तो हम इस CNR नंबर को डाल के देख सकते हैं। फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इस केस की 19 फरवरी हुई थी, नेक्स्ट डेट इसकी 26 जुलाई है, स्टेज ऑफ केस क्या है, समन्स के लिए लगा हुआ है, कोर्ट नंबर है, जज यहाँ पर हैं, ये जज यहाँ आ गए, जज का कोर्ट का नाम आ गया। अब हमको यहाँ पर QR कोड मिल जाता है जो मैंने पहले बताया था, QR कोड आप अपने पास रख लीजिए, जब चाहे ऐप में डालकर देख सकते हैं। बाकी जानकारी पिटिशनर एंड एडवोकेट यहाँ मिल जाती है, रेस्पोंडेंट एंड एडवोकेट यहाँ मिल जाता है, नीचे हमको हिस्ट्री ऑफ केस हियरिंग यहाँ मिल जाती है। हम इसको क्लिक करके पूरे केस की हिस्ट्री, क्या क्या ऑर्डर पास हुए हैं वो देख सकते हैं। आइए इसको करके देखते हैं। तो ये केस पहले 19 फरवरी को लगा था, उसके बाद 6 मई को लगा है और इनके ऑर्डर हम अब यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। आइए इन ऑर्डर्स को क्लिक करके देखते हैं। 19 फरवरी को ये केस लगा था तो इसका डेली स्टेटस आ गया, सारी डिटेल यहाँ पर मिल गई और ये डेट ऑफ हियरिंग आ गई। उसके बाद ये इस पर शॉर्ट ऑर्डर है, एज़ पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, कोर्ट ड्यू टू लॉकडाउन केस रीपोस्टेड टू सच एज सच डेट, नेचर ऑफ पर्पस समन्स है और नेक्स्ट डेट 6th ऑफ मे है। तो इस तरह से हमको इस केस में 19 फरवरी को क्या ऑर्डर पास हुआ था वो पता लग गया। अब 6 मई को इस केस में क्या ऑर्डर हुआ था ये हमने क्लिक किया तो हम यहाँ पर फिर से आ गए। अब ये डेली स्टेटस 6 मई का है, 6 मई को क्या हुआ था, सेम ऑर्डर हुआ है चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इसमें नेक्स्ट डेट 26 जुलाई की लग गई।
तो इस तरह से बड़े आराम से इस केस को रैंडमली हमने, सिर्फ मैंने सिविल सूट नंबर, ओरिजिनल सिविल सूट नंबर 12 डाला था, आंध्र प्रदेश का एक ज़िला सेलेक्ट किया, वहाँ पे जो सिविल जज का कोर्ट आई उसको खोला और वहाँ पे रैंडमली सर्च कर लिया। अगर आपको ऐसे ही कोई सर्च करना है वर्ड सर्च, तो यही रास्ता लेना होगा। आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना होगा, स्टेट के बाद ज़िला सेलेक्ट करना होगा। इतनी जानकारी सबके पास होती है, अगर नहीं है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी और उस ज़िले में उस कोर्ट को सेलेक्ट करना होगा। एक ज़िले में कई तरह की कोर्ट होती है, तो आपको जैसा केस बताया गया है, अगर आपको कोई कहता है कि क्रिमिनल केस डाला है तो आपको क्रिमिनल कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ सर्च करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है सिविल सूट डाला है, सिविल केस डाला है, अपील डाली है, तो अपील कोर्ट में जाना पड़ेगा। इस तरह से आप बड़े आराम से उस केस को ढूंढ सकते हैं। अब हम हाई कोर्ट के किसी केस को रैंडमली ढूंढते हैं। ये हमने हाई कोर्ट का आइकन क्लिक किया, तो सबसे पहले हमें स्टेट चुनना होगा, उसके बाद बेंच चुननी होगी। तो अभी चूँकि ममता बनर्जी का केस कलकत्ता का काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो आइए हम उसको ढूंढ के देखते हैं। मुझे सिर्फ ममता बनर्जी नाम पता है, तो आइए ढूंढ के देखते हैं उस नाम से कोई केस मिलता है या नहीं मिलता है। अभी हाई कोर्ट में हमने कलकत्ता हाई कोर्ट चुन लिया यहाँ पर, उसके बाद प्रिंसिपल बेंच यहाँ चुन लिया। अब हम पार्टी नेम में ममता बनर्जी डालकर देखेंगे कि वो केस हमें ममता बनर्जी के नाम से कोई केस इस साल में डला हुआ मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो वो कब डाला गया, क्या फाइलिंग नंबर है उसका, क्या नंबर है उसका, सीएनआर नंबर क्या है और उसमें क्या क्या ऑर्डर हुए हैं, उसको हम बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। आइए उसको करके देखते हैं। अब देखिए, एक टोटल नंबर ऑफ केसेस जो स्कैन होकर आया है वो एक हमारे सामने आ गया। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये कौन सा केस है, इसका क्या नाम है। अब हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ हमें ममता बनर्जी वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स आ गया और ये इस केस का नंबर मिल गया। तो ये हमें दिखाई दे गया कि ममता बनर्जी का ये केस है। अब हम इस ऑर्डर पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके इसके बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। आइए देखते हैं। वहाँ क्लिक करने के बाद हम केस हिस्ट्री के पेज पर आ जाते हैं। ये पूरी केस हिस्ट्री खुल गई। ये केस टाइप क्या है यहाँ पर मिल गया, WPA है हमने देखा था। फाइलिंग नंबर क्या है ये मिल गया, फाइलिंग डेट क्या है ये मिल गया, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, रजिस्ट्रेशन डेट मिल गई, CNR नंबर मिल गया। ये CNR नंबर आप अपने पास रख सकते हैं, जब भी इस केस को ढूंढना हो तो ये डालकर आप इसको देख सकते हैं। फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इसकी 18 जनवरी को थी, डिसीशन डेट है 4th ऑफ फरवरी, केस स्टेटस क्या है, केस डिस्पोज्ड है, नेचर ऑफ डिस्पोजल क्या है, कंटेस्टेड डिस्पोज्ड, कोरम है, बेंच टाइप है, जुडिशियल ब्रांच है, आगे की जानकारी है। इसके नीचे हम जाते हैं तो ये QR कोड यहाँ मिलता है, पिटिशनर एंड एडवोकेट यहाँ मिलता है, रिस्पॉन्डेंट एंड एडवोकेट यहाँ मिलता है, किस एक्ट का केस है यहाँ मिलता है, कैटेगरी डिटेल यहाँ मिलती है, इंट्री ऑर्डर कोई है तो कैसा है वो यहाँ मिलता है, फाइनल ऑर्डर है तो वो क्या है ऐसा मिलता है यहाँ पर, और ऑब्जेक्शन डिटेल्स है। तो इसमें से हमारे काम की ये दो हैं, इंट्री ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर। आइए हम इनको निकाल कर देखते हैं। ये हमने इंट्री ऑर्डर को क्लिक किया तो ये ऑर्डर आया, ये 21 जनवरी का इंट्री ऑर्डर है, यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ऑर्डर पर चले जाएंगे। आइए इसको क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए, हमने 21 जनवरी का ऑर्डर यहाँ आ गया, कोर्ट की ऑर्डर शीट है, इसको ऑर्डर शीट बोलते हैं। ये 21 जनवरी का कोर्ट नंबर 13 में सीरियल नंबर 74 पे ये केस लगा था। ये इसका रिट नंबर है, ममता बनर्जी वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, WPA नंबर 312/2021 है ये। और उसके बाद यहाँ पर फॉर पिटिशनर लॉयर का नाम है और ये ऑर्डर पास हुआ है। ऑन द प्रेयर मेड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर लेट द मैटर बी लिस्टेड ऑन February 2, 2021, यहाँ जज साहब का नाम है। तो इस तरह से हमने इंट्री ऑर्डर जो 21 जनवरी को पास हुआ वो देख लिया। इस तरह से हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑप्शन को चुनकर और केस का नंबर अगर हमारे पास है तो केस नंबर वाइज हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, नहीं है तो पार्टीज नेम जो भी नाम है, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा उपलब्ध होती हैं, तो ये आप इसके थ्रू पार्टी नेम डालकर सर्च कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टेट का नाम लेना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट चुनना पड़ेगा, अगर हाई कोर्ट है तो उस स्टेट का हाई कोर्ट और उसकी बेंच यहाँ चुननी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ेंगे और आपको सब मिल जाएगा बड़े आराम से। अब देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर मीनू होता है, इस जगह पर हम क्लिक करेंगे तो इसका ड्रॉप डाउन मीनू खुलेगा और उसमें बहुत सारे फीचर होते हैं जो कि इस पूरे ऐप को बहुत अच्छे से हमें
इस्तेमाल करने में काम आते हैं। आइए हम ये करके देखते हैं। अब ये मेनू के बाद खुल गया है, तो आप देखिए यहाँ पर हमें सारे फीचर मिल रहे हैं। इसमें जो CNR नंबर, केस स्टेटस, कॉज लिस्ट, माई केसेस, जो मेन मेनू में थे वो यहाँ मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक एडिशनल फीचर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मिलता है। ये फाइलिंग में प्रयोग होता है। इम्पोर्ट का मतलब कोई ऑर्डर आप डाउनलोड करें, एक्सपोर्ट का मतलब कोई ऑर्डर आप अपलोड करें। ये कन्फिगर है, इसमें आप हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा चुनना चाह रहे हैं वो आपका ऑप्शन है। ये ई पे है, इसके थ्रू आप कोई चलान जमा कर सकते हैं, कोर्ट फीस के लिए पैसे जमा कर सकते हैं। ये NJDG का वेबसाइट है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो नेशनल जुडिशियल ग्रिड में चले जाएंगे, वो अलग वेबसाइट है, वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये ई फाइलिंग का स्टेटस, ई फाइलिंग के लिए आप इसको प्रयोग करेंगे, इसके लिए पहले आपको एक ID बनानी पड़ती है जो वेरीफाई होकर बनती है, और तब आप ई फाइलिंग यहाँ से कर सकते हैं। ये इंडिया कोड का ऑप्शन है, ये दूसरी वेबसाइट है, इंडिया कोड की वेबसाइट पर यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको ले जाएगा। वहाँ पर आप सारे एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस और नोटिफिकेशंस सारे वहाँ पर आपको मिल सकते हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो सारा कंपाइलेशन वहाँ पर है। ये फॉर्म्स फॉर एडवोकेट्स है, जितने फॉर्म्स एडवोकेट्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो यहाँ मिल जाएंगे, डाउनलोड करके आप कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये वर्चुअल कोर्ट का लिंक है, जितनी भी कोर्ट्स वर्चुअल हैं, ज़्यादातर चलान की कोर्ट्स अभी वर्चुअल हैं हर स्टेट में, तो आप जाएंगे वहाँ पर, उस चलान का नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो आपकी पेनल्टी जो भी है, आपकी प्रेजेंस लगा के पेनल्टी अमाउंट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वहाँ पे वर्चुअल कोर्ट का मतलब होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा आपके केस का आउटकम, वहाँ पे कोई हियरिंग कुछ नहीं होती है। तो इस तरह से ये सारे बाकी नीचे के फीचर अलग हैं, इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे फीचर हमारे काम के हैं और बहुत कुछ हमें इसके थ्रू देखने समझने को मिल जाता है। तो इस ऐप के थ्रू हम बहुत कुछ किसी भी केस के बारे में जान सकते हैं, वो केस कहाँ है, उसका नंबर क्या है, कब कब लगा, क्या क्या ऑर्डर हुआ, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी भारत के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और किसी हाई कोर्ट का। तो इस तरह से ये ऐप बहुत ही काम का है और बहुत ही कारगर है, और ये कोई भी कॉमन मैन बड़े आराम से इसको यूज़ कर